महंगे पेट्रोल और डीजल का विरोध करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ मुख्यमंत्री के घर के सामने जमा हो गई। आमतौर पर राजनीतिक विरोध और प्रदर्शनों को मुख्यमंत्री के घर से 500 मीटर दूर रोक दिया जाता है, लेकिन पहली बार प्रदर्शनकारी बिल्कुल मुख्यमंत्री के घर के गेट के सामने जमा हो गए, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। मुख्यमंत्री के गेट के सामने पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। तब जाकर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की और एक एक कार्यकर्ता को उठाकर ले जाना शुरू किया। चार चार पुलिस वाले मिलकर एक एक कार्यकर्ता को उठाकर दूर ले जाने लगे। आप देख सकते हैं कि एक और कार्यकर्ता को किस तरह से टांग करके दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। खूब धक्का मुक्की हुई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री को ये लोग बाहर नहीं बुला रहे और हम लोगों को मार रहे हैं, आप देखो। गेट के बिल्कुल सामने महिला कार्यकर्ताओं की फौज जमा हो गई, जिन्हें हटाने के लिए महिला पुलिस को बुलाना पड़ा। धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हुई। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की पहले से कोई सूचना पुलिस या सरकार को नहीं दी थी, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम किसी बड़े प्रदर्शन से निपटने लायक नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर प्रदर्शनकारी दंदनाते हुए मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए। कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर दिल्ली सरकार आम लोगों को राहत दे, जिसके लिए बैनर और कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर अचानक प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते दिखे। थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई और नारेबाजी तेज हो गई। पुलिस ने फौरन बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस वक्त सिविल लाइन में हम लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का आवास यहाँ पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और उसके ठीक बाहर यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अचानक पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और हंगामा बढ़ गया। वही हक मांगना है, कम से कम पेट्रोल डीजल के रेटों की कमी की जाए, महंगाई पे लगाम लगाए। आज सरसों का तेल हो, आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। कुछ देर की धक्का मुक्की में ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिरा दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, वो डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेकर के कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगाने लगे, लेकिन 5-7 पुलिस वाले मिलकर इस भीड़ को नहीं रोक पाए। थोड़ी देर में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दौड़ते हुए सीएम आवास की तरफ पहुंचने की कोशिश करते दिखे। पुलिस वाले पीछे पीछे और प्रदर्शनकारी आगे आगे। जब बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस वालों ने बाकी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एक ह्यूमन चेन बना ली, पूरा रास्ता घेरने की कोशिश की, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। बड़ी संख्या में दूसरी तरफ से महिला कार्यकर्ता भी पहुंच गई। किसी के पास पेट्रोल पंप की पेट्रोल भरने वाली मशीन का कटआउट, किसी के पास तख्तियां, तो एक महिला की तो पूरी कार पर ही नारों वाला कटआउट दिखा। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, रोटी रोजी नहीं है, उसके बावजूद इतनी महंगाई कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ जमा होने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों का ध्यान भी मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा में लग गया। पूरी भीड़ सीएम के घर के गेट के बाहर जमा हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह कि दिल्ली में ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे केवल केंद्र सरकार की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं, बल्कि राज्य सरकार को वैट भी लेना पड़ता है। राज्य सरकार का वैट भी बड़ी वजह है। राज्य सरकारों का ये वैट पेट्रोल के बेस प्राइस पर नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस कीमत पर जोड़ा जाता है जिस कीमत पर पेट्रोल पंप वालों को एक लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी बेस प्राइस में तेल को लाने ले जाने का खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, सब कुछ जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उसका 30% दिल्ली सरकार वैट के रूप में लेती है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंचती है तो उसमें लगभग 23 रुपए दिल्ली सरकार के होंगे, तकरीबन। इसी तरह मध्य प्रदेश में वैट की दर 33% है, इसके अलावा 4.5 रुपए एडिशनल वैट भी है। मतलब अगर मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपए का होता है तो उसमें तकरीबन 24 रुपए राज्य सरकार के पास वैट के रूप में, जबकि गुजरात में पेट्रोल पर वैट केवल 17%। कम टैक्स की वजह से गुजरात में पेट्रोल दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुकाबले सस्ता है। वहां अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंचती है तो एक लीटर पेट्रोल में अंदाजन 14 रुपए राज्य सरकार के पास जाएंगे। और सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% वैट लेती, जिसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपए पहुंच चुकी है तो 100 रुपए में अंदाजन 26 रुपए राजस्थान सरकार के पास जाते हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पर वैट करीब 26%, जहां समाजवादी पार्टी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती दिखी। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए वो सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुछ मोटरसाइकिलों और गैस सिलेंडरों को मालाएं पहनाकर उन्हें सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वहां खूब नारे भी लगाए। पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो।
वहीं पार्टी के झंडे और कई पोस्टरों के साथ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 90 रुपए डीजल हो गया, किसान भी मरा जा रहा है, सब्जियां हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तेज करने की तैयारी में है। सौबात की एक बात यह कि मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं और 15-16 पैसे भी दाम बढ़े तो दिल्ली और कोलकाता में भी पेट्रोल का शतक पूरा हो जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस अब तक केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी और अब उसने दिल्ली सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया, जिसे सिर्फ राजनीति ही माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है वहां डीजल पेट्रोल पर वैट की दर दिल्ली से ज्यादा है और कांग्रेस वहां चुप्पी साधे हुए हैं।